हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने कोल के बारे में पढ़ा था। हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं फिजिक्स का। हमने कोल के बारे में डिस्कस किया था और हमने वेरियस एनर्जीज के बारे में बात किया था और ये सीखा था कि वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। और ये रिलेशन सीखने के बाद फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, कैसे होते हैं और किस तरह से उन्हें यूज़ किया जाता है, इस बारे में एक छोटा सा डिस्कशन किया था। देन हमने ये कहा था कि कोल जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। इट्स नोन एज ब्लैक डायमंड। और कोल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी या कहें एनर्जी जनरेशन में। और कोल के बारे में ये पता किया था कि कोल आखिर बनता कैसे है। हमने कहा था कि ज़मीन में रेसिड्यू रहता है, जो पुराने प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उस रेसिड्यू का वाटर में मिक्सिंग होती है और पीट नाम का एक सब्सटेंस बनता है और फिर पीट से कोल बनता है। तो अभी जो पीट सब्सटेंस बन रहा है, जो रेसिड्यू और वाटर को मिक्स करके पीट बन रहा है, दिस पीट, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट कोल, पीट इज बेसिकली रेसिड्यू प्लस वाटर। ये एक पेस्ट फॉर्म में रहता है, पेस्ट फॉर्म में रहता है रेसिड्यू और वाटर का मिक्सचर। दिस पीट इज हाई और दिस पीट इज रिच इन कार्बन कंटेंट। इस पीट में बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन प्रेजेंट होता है। लिविंग बींग में हमने कहा था कि क्या क्या होते हैं। ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन, दीज आर सम मेन कंपोनेंट्स। और बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बट जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर इस रेसिड्यू की बात करूँ तो इस रेसिड्यू में से हमने कहा था कि अगर इस पे वाटर की लेयर बन जाती है तो एयर से, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, वो इस रेसिड्यू से रिएक्ट नहीं कर पाती और रिएक्ट नहीं कर पाती और यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया रिएक्शंस करते हैं, बायोलॉजिकल और केमिकल फिनामिना होते हैं, और उस फिनामिना से क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, वो बाहर हो जाते हैं। और उस वजह से अगर इसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकलता जाता है तो ये कार्बन बचता जाता है। सो दैट्स वाई दिस पीट इज रिच इन कार्बन कंटेंट। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। नाउ फिर हमने कहा था कि इस पीट में जब और रेसिड्यू मिक्स होता है और ऊपर से रेसिड्यू मिक्स होता है तब जाके कोल फॉर्म होता है। तो अगर इसमें और रेसिड्यू मिक्स हो रहा है तो नाउ अब डिपेंड करेगा कि वो रेसिड्यू कैसा है। अगर वो रेसिड्यू ज्यादा कार्बन रिच है, उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है, तो ये पीट में जब वो कार्बन मिक्स होगा तो ऑटोमेटिकली अच्छा वाला कोल मिलेगा। बिकॉज हम जब कोल को जलाते हैं तो क्या निकलता है, कोल को जलाने से हम कहते हैं कि हीट निकलती है। नाउ ये जो हीट निकलती है, ये क्यों निकलती है? हीट निकलती है जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट का फॉर्मेशन भी होता है। आप जब कोल को जलाएंगे तो कोल को जलाने से, कोल का जलना मतलब क्या, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंबशन। आपने इसे पढ़ा है जूनियर क्लासेस में, कंबशन नाम की ये प्रोसेस है। कंबशन प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है और हीट निकालता है, बहुत सारी हीट। तो जब भी आप खाना पकाने के लिए कोल जलाते हैं तो उसमें आपको फायर दिखती है, वो फायर क्या है, वो हीट है, और साथ में एक धुआं उठता हुआ भी दिखता है, दैट धुआं इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड। ओके नाउ तो अल्टीमेटली क्या है, अगर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तब हीट निकलेगी, लेकिन अगर कार्बन की जगह कोई और कंपोनेंट को मैं जलाऊंगा तो हो सकता है कि पॉइजनस गैसेस निकले, जैसे कि सल्फर को जलाऊंगा या फिर कोई और मटेरियल हुआ, प्लास्टिक हुआ, किसी चीज को जलाऊंगा तो हो सकता है कि पॉइजनस गैसेस वहां पे फॉर्म हो। तो इसीलिए कोल अच्छा कब होगा, कोल अच्छा तब होगा जब ज्यादा से ज्यादा उसमें कार्बन का कंटेंट होगा। अगर कोल कार्बन रिच है
तो हम कहेंगे कि वो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि कार्बन रिएक्ट होगा तो ऑक्सीजन के साथ मुझे हीट दे देगा। लेकिन अगर कार्बन के जगह और कोई कंपोनेंट हुआ, जैसे कि अगर वो मिक्सचर हुआ कि उसमें कार्बन भी है, उसमें मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है और कुछ और पत्थर भी है, ये सब का अगर मिक्सचर है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो जब बर्न होगा तो बर्न होते समय क्या होगा, वो कैल्शियम भी बर्न हो जाएगा, मैग्नीशियम भी बर्न हो जाएगा, वो प्लास्टिक जो होगा उसमें या फिर जो स्टोन्स होंगे वो भी बर्न होंगे, तो उससे एक पॉइजनस गैसेस निकलेंगी। तो हम ये नहीं चाहते कि अगर मैं कोल को बर्न करूँ तो पॉइजनस गैसेस निकले, इसीलिए हम वैसा कार्बन यूज करेंगे, वैसा कोल यूज करेंगे जो कार्बन रिच हो। नाउ अब जैसा हमने कहा कि रेसिड्यू पीट जो बना वो रेसिड्यू वाटर से बना, इसके ऊपर जब और रेसिड्यू गिरेगा तो और रेसिड्यू गिरने से ये कोल में कन्वर्ट होगा। अब मान लीजिए कि इसमें जो रेसिड्यू गिर रहा है इस पीट पे, अगर वो कार्बन रिच है, उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है, तो क्या होगा, तो जो कोल बनेगा उसमें भी कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी। और अगर वो कार्बन रिच नहीं है, उसमें कार्बन नहीं है, मान लेते हैं कि पीट है, पीट पे मैंने पत्थर डाल दिए बहुत सारे, तो क्या होगा, पीट में जब मैं पत्थर डाल दूंगा तो कोई कोल अच्छा नहीं बनेगा, बिकॉज वो जो स्टोन्स है, वो पत्थर है, उसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम है। तो हम कहते हैं कि जब पीट पे रेसिड्यू गिरता है कुछ दूसरा रेसिड्यू ऊपर से, तो कोल फॉर्म होता है, और हमें तीन तरह के कोल फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। हमें तीन अलग तरह के कोल फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं जब पीट पे मैं किसी और चीज को मिक्स करता हूं। तो पहला फॉर्म जो कोल का हमें मिलता है, दैट इज लिग्नाइट। लिग्नाइट जो कोल है लिग्नाइट नाम का जो ये कोल फॉर्म हुआ है, दिस कोल कंटेन्स ऑलमोस्ट 10-20% ऑफ कार्बन। कोल क्या है? कोल एक पत्थर है, एक ब्लैक कलर का पत्थर होता है। इस पत्थर को जब आप बाहर से देखोगे, इट लुक लाइक स्टोन, वो एक काले रंग का आपको पत्थर दिखेगा, तो बाहर से देख के आप नहीं पहचान सकते कि वो कोल कैसा है। जब उस कोल को जलाया जाएगा तब पता चलेगा कि उसकी कैसी क्वालिटी है। अगर वो कोल जल के बहुत ज्यादा हीट देता है, अच्छी हीट देता है, तो हम कहेंगे कि हाँ वो अच्छा कोल है। अगर वो हीट कम देता है तो हम कहेंगे कि नहीं, वो कोल अच्छा नहीं है। तो इसीलिए लिग्नाइट जो कोल यहां से हमें मिलता है, दिस लिग्नाइट कोल कंटेन्स ओनली 20-30% कार्बन। इसमें कार्बन की मात्रा सिर्फ 20-30% होती है, बाकी जो चीजें होती है दैट इज रेसिड्यू, दैट इज वेस्ट। बाकी सब जो होता है उसमें कैल्शियम हो सकता है, सल्फर हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, और दूसरे मटेरियल्स होते हैं जो कि कुछ जलने पे पॉइजनस गैसेस देते हैं। तो क्या लिग्नाइट एक अच्छा फ्यूल होगा? हम कहेंगे नहीं। हमने कहा कि कोल अच्छा फ्यूल है, लेकिन कोल के भी तो तीन टाइप्स निकलेंगे। पहला होगा लिग्नाइट, सेकेंड टाइप होगा बिटुमिनस। बिटुमिनस जो टाइप है कोल का, इट कंटेन्स 40-60% ऑफ कार्बन। इस टाइप के कोल में करीब करीब 40-60% कार्बन होता है। तो क्या ये मुझे जलने पे लिग्नाइट से ज्यादा हीट देगा या कम देगा? हम कहेंगे ये जलने पे लिग्नाइट से ज्यादा हीट देगा। क्यों? बिकॉज कार्बन ज्यादा है, तो ज्यादा कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो ज्यादा CO2 और ज्यादा हीट बन के निकलेगी। अगर मैं 1 किलो लिग्नाइट ले लूं, 1 kg, तो 1 kg लिग्नाइट में क्या है, सिर्फ 20-30% कार्बन है, और 1 kg बिटुमिनस में क्या है, 40-60% कार्बन है। इट मींस दिस इज कार्बन रिच कंपेयर टू दिस, इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है। देन थर्ड होता है, थर्ड टाइप ऑफ कोल इज नोन एज एंथ्रेसाइट। इट कंटेन्स ऑलमोस्ट 70-75% ऑफ कार्बन। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, और क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा है, इसीलिए सबसे अच्छा फ्यूल हुआ, सबसे अच्छा कोल यही है, क्योंकि मुझे ज्यादा कार्बन मिलेगा तो ये प्रोसेस ज्यादा होगी। तो हेंस हम कहेंगे
कि दिस एंथ्रेसाइट इज बेस्ट कोल, इट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल. ओके, सो दिस इज द बेस्ट क्वालिटी कोल, ये सबसे अच्छी क्वालिटी वाला कोल होता है. नाउ अब अगर हम इन तीनों कोल को कंपेयर करें, तो तीनों कोल को कंपेयर करने पे वी विल से दिस लिग्नाइट एंड बिटुमिनस बर्न फास्टर एंड हैव लो कैलोरीफिक वैल्यू. हम कहेंगे कि लिग्नाइट एंड विटामिनस बर्न फास्टर एंड हैव लो कैलोरीफिक वैल्यू. मैंने इस कैलोरीफिक वैल्यू को कैपिटलाइज किया है, इसे बोल्ड किया है. क्या आप जानते हैं व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय कैलोरीफिक वैल्यू? ये आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में. कैलोरीफिक वैल्यू क्या चीज होती है? अगर हम लिग्नाइट और बिटुमिनस की बात करें, तो ये कह रहा है कि ये फास्ट बर्न होते हैं, ये बहुत जल्दी से बर्न होके खत्म हो जाते हैं. ओके, अगर ये बहुत जल्दी से बर्न होके खत्म हो जाते हैं, तो जितनी भी एनर्जी ये बहुत फास्ट रिलीज कर देते हैं. अगर ये एनर्जी बहुत फास्ट रिलीज कर रहे हैं, तो क्या वो एनर्जी हमारे काम की होगी? हम कहेंगे नो, बिकॉज हमने सीखा था कि आप बम फोड़ फोड़ के ट्रेन नहीं चला सकते, क्योंकि बम में जब फूटता है तो एनर्जी बहुत फास्ट रिलीज होती है. तो एनर्जी अगर बहुत फास्ट रिलीज होगी तो आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए हम चाहते हैं कि एनर्जी जब रिलीज हो तो स्लोली स्लोली रिलीज हो, ताकि हम उसका प्रॉपर यूज कर पाए. ओके, क्या होगा अगर सोचिए आपने घर में एक दिन में आप जितनी बिजली यूज करते हैं, आपने लेट से एक पंखा चलाया और आप पूरे दिन उस पंखे को चलाते हैं, तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी. अगर उतनी इलेक्ट्रिसिटी में एक साथ आपके पंखे को दे दूं, तब क्या होगा? तो हम कहेंगे कि आपका पंखा जल जाएगा, पंखा खराब हो जाएगा. तो इसीलिए एनर्जी स्लो स्लो रिलीज हो, तभी हमारे काम की हो सकती है. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू इज बेसिकली हीट रिलीज्ड पर ग्राम ऑफ फ्यूल. कोई सब्सटेंस का एक ग्राम कितनी हीट देता है, दैट विल बी नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक किलो रद्दी ले लीजिए, एक किलो जो स्क्रैप है पेपर, उसको जलाइए, और एक किलो पेट्रोल को जलाइए, तो कौन सा सब्सटेंस मुझे ज्यादा हीट देगा, कौन सा सब्सटेंस ज्यादा हीट देने वाला है? तो हम कहेंगे जो पेट्रोल है, पेट्रोल हमें ज्यादा हीट देगा. हमने कंपेयर कैसे किया? हमने पेट्रोल भी एक किलो लिया और स्क्रैप भी एक किलो लिया और दोनों को जलाया, तो दोनों को जलाने पे मैंने देखा कि जो पेट्रोल है उसमें हीट ज्यादा मिल रही है और जो स्क्रैप है उसमें हीट कम मिल रही है. तो हम कहेंगे कि पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, उसका हर एक केजी हर एक ग्राम ज्यादा हीट दे सकता है कंपेयर टू स्क्रैप. स्क्रैप की हम कहेंगे कैलोरीफिक वैल्यू कम है. ओके, सो इन दिस वे वी कंपेयर द फ्यूल. हम अगर दो फ्यूल को कंपेयर करते हैं तो इस बेसिस पे ही करते हैं कि किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है किसकी कम है. तो अगर हम बात करें बिटुमिनस एंड लिग्नाइट की, तो इनकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है बिकॉज ये कम हीट रिलीज करते हैं. नाउ सिमिलरली अगर हम एंथ्रेसाइट की बात करें, सो एंथ्रेसाइट हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड इट बर्न्स स्लोली. ये स्लोली बर्न होता है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा होती है. तो इसीलिए सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा हुआ तीनों कोल में? तीनों कोल में हम कहेंगे
कि दिस एंथ्रेसाइट इज द बेस्ट फ्यूल. ओके, सो अगर एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा फ्यूल है, एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा फ्यूल हमने क्यों कहा? बिकॉज उसमें कार्बन का कंटेंट बहुत ज्यादा है. इट मींस अगर कोल में कार्बन का कंटेंट बढ़ता जाए तो वो कोल अच्छी क्वालिटी का कोल होता जाता है. ओके, सो कहना इससे कि अगर इस कोल में 100% कार्बन कंटेंट हो, 100% कार्बन हो, तो क्या ये कोल अच्छी क्वालिटी का हो जाएगा? हम कहेंगे यस, बिकॉज अगर इस कोल में कार्बन कंटेंट के अलावा कोई और चीजें हैं तो दे विल पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर. वो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करेंगे, वो पॉइजनस गैसेस रिलीज करेंगे. तो क्या मुझे इस कोल को इसी फॉर्म में यूज करना चाहिए? तो हम कहेंगे हाँ, हो सकता है आप यूज कर सकते हैं. आप एंथ्रेसाइट वाला कोल यूज कीजिए. आप एंथ्रेसाइट वाला कोल यूज करेंगे तो ये पॉल्यूशन भी कम देगा और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा है. लेकिन अगर एक माइन से मैंने कोल निकाला तो जरूरी नहीं कि वो एंथ्रेसाइट ही मिले, हो सकता है वो लिग्नाइट या बिटुमिनस में से भी कोई मिल जाए. तो क्या मुझे इन्हें यूज नहीं करना चाहिए? हम कहेंगे हाँ, इनको यूज करना चाहिए. लेकिन इनको इस डायरेक्ट फॉर्म में अगर मैंने यूज करने की कोशिश की, सो दे विल पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करेंगे. तो हमने क्या सोचा कि इन दोनों को यूज करने का कोई तरीका निकाला जाए. लेट अस ट्राई टू फाइंड सम वे कि जिनसे हम इसको यूज कर सके और इनसे एटमॉस्फेयर का भी पॉल्यूशन नहीं हो, क्योंकि ऑब्वियसली कोल इज लिमिटेड. कोल की जो मात्रा है वो बहुत कम है, वो लिमिटेड है. तो लिमिटेड है इसलिए जैसा कोल मिल रहा है उसको यूज तो जरूर करना चाहिए. तो इसीलिए हमने कोल को यूज करके इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और फिर एक नया प्रोडक्ट बनाया गया. उस प्रोडक्ट को नाम दिया गया कोक. एक नया प्रोडक्ट, एक नए तरह का फ्यूल बनाया गया जिसे हमने नाम दिया कोक. कोक इज बेसिकली इज फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. हमने एक नया प्रोडक्ट इन्वेंट किया जिसको हमने नाम दिया कोक. और कोक है क्या? कोक बेसिकली कोल से ही बना है, लेकिन कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने से कोक फॉर्म हुआ है. नाउ व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब होता है दिस टर्म डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. इट मींस हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर. अगर मैं कोल को गर्म करूं इन एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर कैसे क्रिएट करेंगे? हमने एक प्लेट ली. इस प्लेट पे यहां पे बहुत सारा कोल रख दिया और इस प्लेट को एक बड़े ढक्कन से इस तरह से ढक दिया. इस तरह से हमने इसे ढक दिया नाउ. और फिर नीचे से मैंने इस पे हीट देना शुरू करी. और नीचे से हमने इस तरह से एक गैस ऑन करी और इससे हीट देना शुरू करी. ऐसा इसको जब मैं हीट करूंगा तो हीट करने से क्या होगा? हीट करने से इसमें जो भी गैसेस हैं, जो भी पॉइजनस गैसेस हैं या वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और कोई चीजें हैं, वो सभी इसमें से निकलने लगेंगी और निकल के इसके सरफेस पे, इस जार के, एक ग्लास का जार है ये, इस ग्लास के सरफेस पे अंदर की तरफ यहां पे ये डिपॉजिट होने लगेगी. तो जब मैं इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करूंगा, मतलब हीटिंग करूंगा इन एब्सेंस ऑफ एयर,
तब क्या होगा, एयर मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। देखिए कोई भी चीज जलती कब है, जब वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आती है तब उसमें बर्निंग या फिर कहें कम्बशन का फिनोमेना होता है। अब जब मैंने इसको एयर से ही दूर कर दिया, ऑक्सीजन से ही दूर कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें आग तो नहीं लगने वाली। मैं इसको कितना भी गर्म कर लूं नीचे से, इसमें आग नहीं लगेगी। तो आग नहीं लगेगी लेकिन गर्म तो होगा, हीट तो यहां से यहां पे जाएगी। तो हीट जाने से क्या होगा, इस कोल में से जो पॉइजनस गैसेस हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, वो बाहर निकल जाएगा और वो यहाँ पे इस तरह से डिपॉजिट हो जाएगा। और फाइनली जो हमें यहाँ पे मिलेगा दैट विल बी द कोक, उस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे कोक। तो अगर इसमें से सारी गैसेस बाहर निकल गई, सारा रेसिड्यू, सारा वेस्ट बाहर निकल गया, तो ये बचा क्या, तो हम कहेंगे जो कोक बना है, दिस कोक इज 100% कार्बन। तो कोक क्या हुआ, कोक 100% कार्बन हुआ, इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। और ये बना कैसे, ये कोल से ही बना। तो कोल को डायरेक्टली ना यूज करके हमने इस तरह से यूज कर लिया, तो इससे क्या हुआ, कोक जो फॉर्म हुआ, ये कोक एक तो 100% कार्बन है, इट मींस ये अच्छा फ्यूल है और ये बहुत अच्छे से हीट देगा। और दूसरी चीज, हमने यहाँ पे जो पॉइजनस गैसेस हैं, जो रेसिड्यू है, उसको भी ट्रैप कर दिया। तो एक तरह से दिस कोक बिकम्स एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो ये जो कोक यहां पे फॉर्म हुआ, दिस इज अ एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल, एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है। और कोक हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कोक की कैलोरीफिक वैल्यू भी काफी ज्यादा होती है, और कोक इज लाइटर देन कोल। ये कोल से हल्का होता है, कोल से हल्का क्यों होता है, बिकॉज इस कोल में, तीनों में से किसी भी कोल को आप ले लो, कार्बन के अलावा दूसरे कंपोनेंट्स भी हैं जो कि कार्बन से ज्यादा हेवी होते हैं। ओके, कार्बन से, जैसे मैग्नीशियम या कैल्शियम, ये सब कार्बन से बहुत हेवी होते हैं, जो भी मिनरल्स होते हैं जमीन में, दीज आर हेवियर देन कार्बन। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर इन मटेरियल्स को मैं निकाल दूंगा तो उसमें सिर्फ प्योर कार्बन ही कार्बन बचेगा, और कार्बन ही बचेगा तो इट मींस उसका वेट ऑटोमेटिकली कोल से कम हो जाएगा। तो अब क्योंकि इसका वेट कम है, इट इज ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्टेशन में भी इजी हो गया, बिकॉज कोल का वेट ज्यादा था तो मुझे ज्यादा एनर्जी की डिमांड को मीट करने के लिए बहुत ज्यादा कोल भेजना पड़ता था, कोल ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था। अब अगर मैं कोल को ज्यादा ट्रांसपोर्ट करूंगा तो वो कॉस्टली भी होगा, तो इसलिए हमने क्या करा, कोक में क्योंकि 100% कार्बन है, मतलब थोड़ा सा कोक में लूंगा और मेरा काम हो जाएगा। जितना काम 2 किलो कोल लेने से हो रहा था, हो सकता है 500 ग्राम कोक लेके मेरा उतना काम हो जाए। तो ऑब्वियसली बात है कि इसको मैं ट्रांसपोर्टेशन में भी मुझे आसानी होगी, सो ऑटोमेटिकली दिस बिकम इकोनॉमिकल, ये थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। इसमें जो कॉस्टिंग आती है वो सिर्फ आती है इस प्रोसेस की, जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमने किया, इस प्रोसेस की वजह से कॉस्टिंग इसकी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ओके, बट दिस इज अ एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल, बिकॉज ये क्या देगा, ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड देगा, क्योंकि इसमें पूरी तरह से कार्बन है, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सिर्फ CO2 ही मिलेगी, और हम जानते हैं कि प्लांट्स तो CO2 एब्जॉर्ब कर ही लेते हैं, तो इसीलिए CO2 निकलने से हमें बहुत ज्यादा कोई हार्म नहीं होगा। हालांकि CO2 इज ऑल्सो सम हार्मफुल गैस, बिकॉज इट्स अ ग्रीन हाउस गैस। आपने ग्रीन हाउस गैस का नाम सुना होगा, ग्रीन हाउस गैसेस वह होती हैं जो हीट को ट्रैप करती हैं। तो अगर मैंने एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी तो क्या होगा, सन से आने वाली जो लाइट है वो बहुत ज्यादा ट्रैप हो जाएगी, और ट्रैप होने से क्या होगा, फिनोमिना ग्लोबल वार्मिंग का होगा। आपने ग्लोबल वार्मिंग का टर्म सुना होगा, सो इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्लांट्स लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती जाएगी, और अगर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो पॉल्यूट नहीं होगा, उसमें हीट की ट्रैपिंग कम हो जाएगी। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस कोक इज अ बेटर फ्यूल।
सो दिस इज ऑल अबाउट कोल. कोल के बारे में इतना जानना हमारे लिए सफिशियंट है. एंड फर्दर यू कैन नो दैट इंडिया में कोल कहाँ कहाँ पे निकालते हैं. कोल कहाँ से निकलता है? कोल आता है माइन से. माइन क्या होती है? माइन मीन्स एक जमीन में एक बहुत गहरी सी सुरंग बना देते हैं, गड्ढा कर देते हैं, और वहां से फिर कोल को निकाला जाता है. तो ये कोल की जो माइंस है ये इंडिया में कहाँ कहाँ पे है? ये एमपी में है, देन उड़ीसा में है, देन बिहार में है, देन देन आंध्र प्रदेश में है, एंड समवेयर, और इस तरह से अलग अलग स्टेट्स में झारखंड है, वहां पे कोल की माइंस है. उस माइंस में से हम कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट कोल. इससे ज्यादा जानने की हमें आवश्यकता नहीं है. सो यू कैन नोट दिस, देन यू विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक.